Hello my YouTube buddies, welcome to my channel Decorate with Anamika। इस चैसो बनाने के लिए जो दो मेन इंग्रेडिएंट है ना, मेजर इंग्रेडिएंट, वो तो आपको किचन में ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहला है कॉर्नफ्लोर, 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। उसके बाद यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी आपके किचन में होगा ही, तो बेकिंग सोडा भी मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून ही यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल सेम क्वांटिटी रखनी है, जिसके लिए मैंने स्पून जो है वो सेम ही यूज़ किया है। आप भी सेम साइज़ का ही स्पून यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा ना, आप अगर कितना भी ज़्यादा बनाना चाहें, ये सिर्फ मैं 1:1 बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप अकॉर्डिंगली ऐसे बना सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है वाइट ग्लू। आप कोई भी वाइट ग्लू यूज़ कीजिए, मैंने फेबिकॉल MR यूज़ किया है, जिसका सिर्फ 1 स्पून आपको यूज़ करना है। इसे अच्छे से स्पून को साफ़ कर लीजिए, ताकि जो भी ग्लू आपस में चिपका है वो सारा का सारा निकल जाए। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एक्रेलिक कलर। किसी भी ब्रांड का एक्रेलिक कलर यूज़ कीजिए। वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है यहाँ पर मैंने, और 1 स्पून यूज़ किया है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आएगा वो हमारा आएगा वाटर। पानी इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालना है अकॉर्डिंगली। सबसे पहले इसमें 2 ही टेबलस्पून पानी डाल के देखिए, अगर उससे आपको अच्छी कंसिस्टेंसी मिल जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही पतला पतला सा पेस्ट बनेगा, ना कि गाढ़ा पेस्ट। तो मैंने इसमें 2 ही टेबलस्पून यूज़ किया है। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा और पतला हो तो आप 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून में अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी मिल जाएगी। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसके मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से ये मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए ये। अगर फिर उसके बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए, आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में, या आप ग्लास का कंटेनर भी ले सकते हैं। बस एयर टाइट होना चाहिए, अच्छे से इसको ढंग से टाइटली बंद करके रखना है, ताकि इसमें अगर ये नहीं तो ये सूख जाएगा। अगर ऐसे रखेंगे तो ये सूखता जाएगा। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ ऐसी होती है वो सूख ही जाती है, तो इसे अच्छे से बंद करके आप काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैंने एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए इस छोटे से कंटेनर पे इसे यूज़ करके बताया है। अगर आपको लगे कि इसकी जो कवरेज है वो अच्छी नहीं आ रही है, जितना अच्छे से आनी चाहिए, कवर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट लग रहा हो, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून वाइट एक्रेलिक कलर और मिला लीजिए। पानी नहीं मिलाना है, ना ही ग्लू मिलाना है, सिर्फ इसमें एक टेबल स्पून और एक्रेलिक कलर का मिला देना है, वाइट एक्रेलिक कलर का। इससे आपको अच्छी जो कवरेज है वो मिल जाएगी। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा, उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी एक्रेलिक कलर कर लीजिए अपनी पसंद का, और जो मर्ज़ी डिज़ाइन बनाइए, जैसा आपको बनाना अच्छा लगे। एक्रेलिक कलर ही यूज़ कीजिएगा, और कोई कलर यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से इसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए बनाना है, तो एक्रेलिक कलर जो है वही परफेक्ट रहते हैं। अब एट लास्ट जब सारा ड्राई हो जाए कम्प्लीटली, उसके बाद इसे वार्निश करके हमें जो इसका फाइनल कोट देना है, इसको अच्छे से लॉक कर देना है। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।